सफर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। वेलकम क्लास सेकंड के बच्चों, हमने आपकी साइंस में शुरू किया था कि प्लांट्स के यूज़फुलनेस यानी हमें पौधे क्या क्या फ़ायदे देते हैं उसको हमने पढ़ा था। तो नेक्स्ट आज हमारे पास प्लांट गिव्स अस पेपर गम एंड रबर, यानी पौधों से हम कागज़ लेते हैं, गम लेते हैं और रबर लेते हैं। वी गेट रबर गम एंड पेपर फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज, कहता है कि हम रबड़ लेते हैं, गम लेते हैं और कागज़ लेते हैं मुख्तलिफ पेड़ों से। तो आपको ये पता है कि हमें मुख्तलिफ पेड़ों से मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आज हमने पढ़ना है कि पौधों से हमें कागज़ मिलता है, गम मिलता है और रबड़ मिलता है। गम आपने देखा होगा कि आपकी मार्केट में भी आती है, जिसे आप फिर मुख्तलिफ चीज़ों पर इस्तेमाल करते हो। जैसे कोई चीज़ फट गई तो वहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करते हो, और या कहीं और चीज़ पर उसका इस्तेमाल करते हो तो उसको हम गम कहते हैं। कागज़ तो आप सब ने देखा होगा और रबड़ भी आप सब ने देखा होगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ इस्तेमाल हैं पौधों के। आगे लिखा है द पेपर वी यूज़ कम्स फ्राम बम्बू ट्रीज़, कहता है कि जो कागज़ हमारे पास आता है या जो कापीज़ आपकी हैं, आपकी बुक्स हैं, ये बम्बू ट्री से बनती हैं। वी गेट गम फ्राम अकेशिया ट्री, और जो गम है वो हम अकेशिया ट्री से लेते हैं, अकेशिया के पेड़ से लेते हैं। द इरेजर वी यूज़ आर मेड ऑफ द जूसेज ऑफ द रबर ट्री, और जो आपके पास रबड़ होता है जिससे आप मिटाते हो तो वो किससे बनता है, वो रबर ट्री के जूस से बनता है। यानी रबर ट्री जो है उसके जो उसका जो रस होता है उससे उसे बनाया जाता है। रबर इज़ आल्सो यूज टू मेक टायर्स एंड पाइप्स, और इसके अलावा रबर का इस्तेमाल टायर्स और पाइप्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। समझ आई होगी आपको कि हम मुख्तलिफ चीज़ें पौधों से लेते हैं, जैसे रबर से हम टायर वगैरह और पाइप्स बनाते हैं। आगे लिखा है वी गेट वुड फ्राम प्लांट्स, यानी हम लकड़ी भी पौधों से ही लेते हैं। प्लांट गिव अस वुड टू मेक थिंग्स, कहता है कि पौधों से हम लकड़ियाँ लेते हैं जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। वुड इज़ यूज टू मेक हाउस डोर्स विंडोज़ फर्नीचर पेंसिल्स बोर्ड्स कार्ड्स एट्सेट्रा, कहता है कि लकड़ी का इस्तेमाल हम बहुत जगह पर कर सकते हैं, जैसे मकान बनाने में, खिड़कियाँ बनाने में, दरवाजे बनाने में, पेंसिल्स बनाने में, किश्ती बनाने में, वगैरह वगैरह। वी गेट वुड फ्राम ट्रीज़ लाइक टीक बम्बू एंड साल, कहता है कि हम लकड़ी लेते हैं मुख्तलिफ़ पेड़ों से, जैसे टीक हो गया, बम्बू हो गया और साल का जो पेड़ हो गया, इससे हम लकड़ी लेते हैं और इस लकड़ी का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाने के लिए लगता है। और उन चीज़ों से हम जैसे चेयर बनाने के लिए करते हैं हम, या डोर बनाने के लिए करते हैं हम, यानी दरवाजे, खिड़कियाँ, पेंसिल्स जो भी है आपके पौधों से ही बनते हैं। तो ये थे हमारे पास पौधों के फ़ायदे। तो आज हमें इस तरीके से इस यूनिट को हमने कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी चीज़ आपको इसमें से पढ़ाई है वो हर एक चीज़ आपको अच्छे से तैयार होगी, आप इसकी अच्छे से रीडिंग करते होंगे। अब आप इसका होमवर्क करें और आप वो मेरे नंबर पे सेंड कर दें। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।